मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है विस्तार, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3। आपके जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड या जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसको लिखा है तिशानी दोषी ने और इस लेख के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि अर्थ पर जो पॉल्यूशन जो मनुष्यों के किए गए कार्यों के द्वारा जो हो रहे हैं, जो अंधाधुंध दोहन प्रकृति का किया जा रहा है, उसके एक छोटे छोटे कार्यों से हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है, इसके लिए तिशानी दोषी ने एक बड़ा ही प्रेरणादायी लेख यहाँ पर लिखा है। और दिस स्टोरी हैज फॉलोइंग 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज हम इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को। चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 1। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू। जॉन वॉयज, जॉन वॉयज ने क्या कहा, यदि आप चाहते हैं कि इस प्लेनेट जो अर्थ है इसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जान सके, तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जाकर के अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही हमको जानने को मिल सकेंगे। अब इसकी जो राइटर है तिशानी दोषी, वो अपने इस चैप्टर में जिनने लेख लिखा है इसमें वो क्या बता रही है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोलास्की हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। निशानी दोषी जो थी वो कहाँ जा रही थी, एक रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम था एकेडमिक शोलास्की, एक शिप था जिसके थ्रू वो कहाँ जा रही थी, अंटार्कटिका पर। और अंटार्कटिका कैसी जगह बता रही है वो, कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडी, ड्राइएस्ट क्योंकि वहां कोई रेन नहीं होती इसलिए सबसे ड्राइएस्ट है, विंडीएस्ट यहाँ बहुत बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। माय जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर। अब यहाँ पर तिशानी क्या बताती है कि उनका जो यात्रा थी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के लिए वो कहाँ से स्टार्ट हुई, मद्रास से हुई। और मद्रास जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जैसे अगर आप एक अर्थ के बारे में बात करें तो ऊपर का जो हेमिस्फीयर है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर अपना इंडिया आता है और वहां से 13.09 डिग्री लेटिट्यूड से उनकी यात्रा स्टार्ट हुई। और वहां से जब वो जाने लगी तो उन्होंने टाइम क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। अब टाइम जोन क्या होता है, तो लंदन के प्राइम मेरिडियन से जब वहां पर 12 नून होता है उसके कंपेयर में, उसके अनुपात में बाकी कंट्रीज में कैसे कैसे टाइम शफल करेंगे उसके बारे में उसको बोला जाता है टाइम जोन। यानी एक 12 नून जब लंदन में प्राइम मेरिडियन पर 12 नून होता है तब वहां पर वहां से स्थिति चेक की जाती है कि बाकी कंट्रीज में किस प्रकार से टाइम चेंज होता रहेगा, वो कहलाता है टाइम जोन। तो क्या कहती है लेखिका कि उसने 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट जिस जिस कंट्री में वहां रुकी वहां के लिए उसने 6 चेक पॉइंट क्रॉस किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर अर्थात 3 ओशन उसने क्रॉस किए एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फियर। वॉट डू यू मीन बाय इकोस्फियर, इकोस्फियर मतलब वहां का पारिस्थितिक तंत्र। हम 10th क्लास में साइंस में पढ़ चुके हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र की रचना करते हैं और हर एक जगह का पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लेखिका बोलती है 9 चेक पॉइंट, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडीज वाटर के बाद उसने बहुत सारे इकोसिस्टम क्रॉस किए। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप। अब यहाँ पे क्या बोल रही कि एक्चुअली जब मैंने मद्रास से निकलते हुए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर अपने पैर जमाए
तब मैंने कितने घंटे की यात्रा की? मैंने 100 घंटे की टोटल यात्रा की। और किस चीज के कॉम्बिनेशन से? कार से भी की, कुछ एरोप्लेन से की और कुछ शिप से की। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू ओरिजिन वॉज रिलीफ टू फॉलो अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। अब इसलिए जैसे ही उसने अंटार्कटिका की धरती पे अपना पहला कदम रखा, उसमें क्या इमोशन कि उसने देखा कि बहुत विशाल विस्तृत रूप से फैला हुआ व्हाइट लैंडस्केप यानी सफेद रंग का वो परिदृश्य था, और अनइंटरप्टेड जब तक जिसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब न किया जाए ऐसे कलर के ब्लू हॉरिजन, मैंने जहां पर ब्लू कलर का आसमान और व्हाइट कलर का पूरा एक लैंडस्केप इस प्रकार से मिल रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के, ऐसा उसने वहां पर परिदृश्य देखा। विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, जहां पर वंडर है बहुत आश्चर्यों से भरा हुआ। वंडर इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मैनी एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमार्क। उसको आश्चर्य इस चीज से भी हो रहा था कि जब उसको पता चला कि पहले अंटार्कटिका और ये जो इंडिया थी वो भी क्या था, एक ही लैंडमार्क का हिस्सा था, मतलब एक ही उस प्राकृतिक खंड भूखंड जो था उसका हिस्सा हुआ करता था। मतलब जो इंडिया है वो कभी ना कभी पूर्व में किसका हिस्सा हुआ करता था, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। कैसे है? वो आगे देखते हैं। 650 मिलियन ईयर्स एगो, अ जाइंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। अब क्या बोलती है, जब वो इसकी पार्ट ऑफ हिस्ट्री में जाती है, क्योंकि उसने बोला ना कि यदि आप किसी की हिस्ट्री को, पास्ट को, प्रेजेंट को देख रहे हैं तो आपको अंटार्कटिका जाना होगा, तो अब वो कहाँ आ गई, पार्ट ऑफ हिस्ट्री यानी पास्ट में आ गई। ये 650 मिलियन वर्षों के पहले एक बहुत बड़ा जाइंट यानी बहुत बड़ा अमलगमेटेड समा मेले कंबाइंड पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था साउदर्न क्षेत्र में, साउदर्न एरिया में, साउदर्न पोल की तरफ एक बहुत बड़ा विशाल एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था गोंडवाना। ये गोंडवाना नाम का जो कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जब वो एग्जिस्ट करता था, वो सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जो कि आज के दिन में वो सिर्फ कहाँ इकट्ठा हो गया है, एक तो अंटार्कटिका में और दूसरा इसका कुछ हिस्सा निकल करके बाकी जगह पहुंच गया। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। फॉर 1500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम वेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंड वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। क्या बोल रही कि बहुत पहले, मतलब 650 मिलियन वर्षों पहले एक बहुत बड़ा भूखंड था, जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था गोंडवाना, लेकिन आज के अंटार्कटिका से वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि उस समय ह्यूमंस पृथ्वी पर नहीं आए थे, ह्यूमन अर्थ पर नहीं थे, और उस समय का जो क्लाइमेट या जो वातावरण था वो कैसा था, मच वार्मर, बहुत गर्म था, और उस समय ह्यूज वेराइटी यानी बहुत विविध प्रकार की जो वेराइटियां थी, किसकी, फ्लोरा यानी जीवों की, जंतुओं की, फना यानी प्लांट्स की, फ्लोरा और फना की बहुत सारी ढेरों वेराइटियां थी। फॉर 500 मिलियन ईयर गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम वेन द डायनासोर, अब वो क्या बोल रही है कि जब 500 मिलियन वर्षों पहले गोंडवाना बहुत उससे ग्रू अप हो रहा था, और जब डायनासोर वगैरह की प्रजातियां आके पृथ्वी से समाप्त हो रही थी, वाइप्ड आउट यानी समाप्त होना, जब डायनासोर की प्रजातियां उस पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व मिट रहा था, उसी समय मैमल्स आना चालू हो गए थे पृथ्वी पर, और उस समय क्या हुआ कि ये जो विशाल लैंडमास था सुपर कॉन्टिनेंट, ये जो गोंडवाना लैंड मास था, ये सेपरेट होना चालू हो गया था, और धीरे धीरे इसके टुकड़े जो है वो कंट्रीज के रूप में पूरे ग्लोबल परिदृश्य में जाने लगे थे। उसके बारे में हम आगे समझेंगे।
visit Antarctica, now is it to be a part of that history to get a grasp of where we come from and where we could possibly be heading? It's to understand the significance of Cordillerian folds and Precambrian granite shield, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northward, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South Africa drifting off to join North Africa, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. अब क्या बोल रहा कि ये पूरे जाइंट गोंडवाला लैंड में क्या आगे हुआ हिस्ट्री में, जब हम इसको देखते हैं तो हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि जो बहुत फेमस है कॉर्डिलेरियन फोल्ड और प्री कैम्बियन फोल्ड की जो ग्रेनाइट शील्ड की चट्टाने हैं, जैसे उनमें हम फोल्ड देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि लैंडमार्क में भी क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे मिलियन ईयर्स एगो। वही सेम चीज हमारे को भी बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग यानी कंफ्यूजिंग करती है। हम इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन क्या करेंगे कि इंडिया का जो पार्ट है वो नॉर्थवर्ड यानी ऊपर की तरह, जो एशिया से जुड़ा हुआ जो इंडिया इंडिया का पार्ट है वो कहाँ पुश कर रहा, नॉर्थवर्ड की तरफ पुश कर रहा, और एशिया जो महाद्वीप है यहाँ से भी इसको फिर से एक डाउनवर्ड पुशिंग हो रही, तो दोनों के बीच में एक क्रस्ट बन गया जो जिसमें क्या फॉर्म किया, न्यू हिमालय। हिमालय माउंटेन फॉर्म किया, कैसे किया कि ये वाला हिस्सा जो था इंडिया का वो नॉर्थवर्ड पुश हो रहा था और एशिया का भी डाउनवर्ड जैसे पुश हो रहा था, उसके बीच में एक क्रस्ट लेयर फॉर्म हुई जो जियोग्राफिकल वे में, और वो नवीन वाले पर्वत हिमालय का निर्माण किया उसने। साउथ अफ्रीका कभी जो हिस्सा था साउथ अमेरिका, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और वहीं पर जो साउथ अमेरिका था वो क्या हो रहा था, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ने के लिए ड्रिफ्ट कर रहा था ना, शिफ्ट कर रहा था, उसी समय ओपन हो गया था, क्या हो गया था, ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज जहां पर तीन ओशन मिलते हैं आपस में उसको कहते हैं ड्रैक पैसेज, और उससे कोल्ड सर्कम पोलर करेंट क्या हुआ, प्रोवाइड किया गया, कीपिंग अंटार्कटिका, और इसके कारण जो अंटार्कटिका का जो एक हिस्सा है वो फ्रिजिड बहुत ज्यादा फ्रोजन कंडीशन में, डिसोलेट यानी अलग हो करके, और एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। इन सारी चीजों के होने से जो अंटार्कटिका का जो मेन अंटार्कटिका का हिस्सा है वो साउथ पोल में जाकर के स्थित हो गया, और वो क्या बना दिया, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का निचला तल बनाया उसने, अर्थात जो गोंडवाना लैंड था वो इस प्रकार से सेपरेट हुआ। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग परस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर अ सर्कुलेटरी एंड मेटाबोलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। अब यहाँ पर क्या कह रही है, पिछानी कह रही है कि क्योंकि वो साउथ इंडियन है तो वो कहती है कि सन वर्शिपिंग यानी सूर्य की पूजा करने वाले साउथ इंडियन जैसा, मेरे जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के जब 2 हफ्तों तक रहता है और वो ये देखता है कि यहाँ पे क्या होता है कि रोज हर दिन दिनों रात नहीं होते हैं, या तो 6 मंथ सूर्य निकलेगा या तो 6 मंथ नहीं, तो बोले वहां पर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस यानी जितनी आइस पूरे अर्थ की है उसका 90% कहाँ है, अंटार्कटिका में स्टोर है। और ये सारी कल्पना भी मुझे जमा देने वाली, चिलिंग प्रोसेस है, बिल्कुल ठंडी कर देने वाली। अब यहाँ उसका मतलब ठंडी कर देने से ऐसा नहीं है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है निशानी का वो ठंडा हो रहा था, या उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसकी बॉडी की बायोलॉजिकल जो है वो भी चेंज हो रही थी, नहीं, लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन है उसको भी वो चिल कर रहा था कि ये पूरा अंटार्कटिका पर चलना उसको कैसा लग रहा था कि एक जो बहुत बड़ी एक जायंट पिंग पोंग बॉल पर वो चल रही है, इतना वाइट और ऐसी फीलिंग उसको दे रहा था। डेवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स,
अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। अब बोलती है कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मार्क्स नहीं थे। ह्यूमन मार्क्स मतलब ह्यूमन प्रेजेंस के कोई मार्क्स, जैसे ना तो वहां पे कोई ट्रीज थे, ना कोई वहां बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड साइन बोर्ड थे, या बड़ी बड़ी इमारतें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था सिवाय आइस के। और तुम वहां पर सब चीज जो अर्थी सेंस मतलब जो अभी तक तुम भौतिकता की दुनिया में थे, वो सारी चीजें लॉस कर देते हो, और यहाँ तक कि तुमको समय का भी पता नहीं चलता। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी माइट्स एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। अब यहाँ पे क्या बोलती है कि वहां क्या दिखता है, एक तो वहां आइस दिखती है और उसके वहां पे बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक चीजों, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के अलावा बहुत बड़े बड़े भी चीजें दिखती हैं, छोटे छोटे माइट्स दिखते हैं, और सबसे बड़ा विशालतम ब्लू वेल भी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइस की चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं आइसबर्ग। वो कितना बड़ा रिकॉर्ड किया गया है, लार्जेस्ट आइसबर्ग जो रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम कंट्री के साइज के बराबर, यानी इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी हैं जो कि बेल्जियम कंट्री के साइज के बराबर हैं। डेज गोन ऑन एंड ऑन सीरियल 24 ऑस्टल समर लाइट एंड यूबी क्वाइट साइलेंस एंड सॉरी इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंस और कार्विंग आइस शीट कॉन्सिक्रेट द प्लेस। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। अब यहाँ पे बता रही है यह दिन बीतते जाएंगे, अब यहाँ बता रहा है कि 24 घंटे में दिन की जो गर्मी रहती है उस समय ये सारा यहाँ का काम चलता है, और यहाँ पे कैसा है बहुत कॉन्सेंट्रेट द यूबीक्वाइटस साइलेंस यानी सर्वव्यापी मौन। यहाँ यूबीक्वाइटस मतलब सर्वत्र, तो यहाँ पर सर्व जगह क्या आपको सिर्फ मौन, एक साइलेंस, एक सन्नाटा दिखाई देगा। और ये कब टूटता है, जबकि एवलांश यानी कोई हिम शीट का, कोई हिम खंड का टूटना, उसको कहते हैं एवलांश। तो जब कोई एवलांश होता है या कोई बहुत बड़ा हिमस्खलन होता है कि यानी बड़े बड़े आइस के टुकड़े जो हैं वो टूट के गिरते हैं, तब जो आवाज होती है तभी यहाँ का कोई जो सन्नाटा है वो तोड़ता है। ये सारी चीजें आपको इस चीज के लिए पुश करती हैं कि ये सारी अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको आप समझ सकें, और ह्यूमंस के लिए भी ये पूर्वानुमान लगाना अच्छा नहीं है। तो बच्चों ये था पार्ट 1, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस